विश्वास नहीं होता कि हरवंश सिंह जी अब नहीं रहे। मेरी कल ही उनसे फोन पर बात हुई थी और उन्होंने एक धार्मिक आयोजन में अपने गांव आने का मुझे निमंत्रण दिया था। मैंने आश्वस्त भी किया था कि मैं आऊंगा। वो इतने जल्दी और ऐसे हम सबको छोड़ के चले जाएंगे, ये कल्पना तक हमें नहीं थी। वे प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता थे। वे जब भी बात करते थे दलगत राजनीति से ऊपर हट के बात करते थे। विकास के लिए उन्होंने सदैव प्रयत्न किया है और शालीनता की राजनीति के पक्षधर थे। वे संसदीय ज्ञान के बहुत अच्छे जानकार थे। वे कुशल प्रशासक थे। वे योग्य संगठक थे और अपनी जनता की सेवा में उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगा दिया। आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सदैव उनके मन में एक दर्द और पीड़ा रहती थी। उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का वो लगातार प्रयास करते रहते थे। विधानसभा के उपाध्यक्ष के नाते भी सदन की आसंदी पर रहकर उन्होंने सदैव निष्पक्षता के साथ काम किया। हरवंश सिंह जी के जाने से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है। मैं उनके निधन से स्तब्ध हूं। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, उनके मित्रों को, उनके अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम।